जिला कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया ने कहा कि हमारी कोशिश है कांग्रेस ग्वालियर सहित प्रदेश में कहीं खाता ही नहीं खोल पाए। बीजेपी में प्रत्याशियों की घोषणा नामांकन की आखिरी डेट से पहले घोषित हो जाएगी। पवैया ने ग्वालियर में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि ग्वालियर का इतिहास रहा है, यहाँ बीजेपी हमेशा विजयी रही है। हम संगठित होकर मुट्ठी की तरह चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में महापौर पद के लिए आप चेहरे की बात ना करें। इन्हीं सब मुद्दों पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया से खास बात की ग्वालियर संवाददाता जावेद खान ने। बीजेपी के महाराष्ट्र के सहप्रभारी जयभान सिंह पवैया जी, सिंधिया जी भी उसमें साथ में थे। सर, जो आज जो बैठक हुई है उसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई? देखिए, आज तो महानगर की जिला प्रबंधन समिति की बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की। एक प्रोसेस होती है, जिला प्रबंध समिति बैठती है, उसके बाद संभागीय चयन समिति बैठती है। तो आज हम लोग चुनाव की रणनीति को लेकर बैठे हैं, पॉलिसी डिसीजंस करने पड़ते हैं हमको। तो ये बैठक शुरुआती बैठक है, मुट्ठी की तरह मिलकर लड़ेंगे, हमारा संकल्प है। कांग्रेस को मिलने वाला क्या है ये तो देखिएगा। ग्वालियर नगर निगम का इतिहास बोलता है कि कांग्रेस महापौर का पद दशकों से नहीं पा सकी है और इस बार ये इतिहास दोहराया जाएगा। इसलिए नामांकन की अंतिम तिथि के पहले पार्षदों के भी फैसले हो जाएंगे, महापौर के फैसले हो जाएंगे। जो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो एक साइलेंट वर्कर के रूप में हैं, लेकिन 6-7 महिलाएं अभी भी दावेदारी कर रही हैं, तो क्या लगता है उसमें से स्क्रूटनी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए, कार्यकर्ता का अधिकार है टिकट मांगने का, उसको प्यार से सुनना, उसके अधिकार को सम्मान पूर्वक समझना, ये हमारा कर्तव्य है। और दावेदार क्यों सामने नहीं आएंगे? जिस दल के पास सक्रिय कार्यकर्ता होंगे, महिला कार्यकर्ता, उसमें स्वाभाविक है दावेदार सामने आएंगे। कांग्रेस की तरह हमारे यहाँ काल नहीं पड़ा है पार्टी में, लेकिन एक बुजुर्ग सीनियर लीडर हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनसे लेकर पार्षद पद के दावेदार हैं, ऐसे बहुत सारे नाम आ रहे हैं, इसमें यूथ भी हैं, तो आपको क्या लगता है एक चयन के लिए कोई एज का क्राइटेरिया भी रहने वाला है? नहीं, अभी नीतिगत निर्णय कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कोई क्राइटेरिया फिलहाल तक हम लोगों ने घोषित नहीं किया है। धन्यवाद। तो ये थे जयभान सिंह पवैया जी, जो कि अभी जिला कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद सिंधिया जी के साथ निकले हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर।